हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट असाइनमेंट ऑफ हिंदी. सो लेट्स बिगिन. सिलेबस लेसन नंबर 1 to 13 का दिया है, गिनती 1 से 10 तक की. इसमें बताया है नंबर अ, पाठ के आधार पर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पाठ के आधार पर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू लेसन. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू लेसन. अभी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दी है, उसको ये ब्रैकेट दिया, उसमें से देख के उसका सही आंसर है वो लिखना है. सप्ताह का पहला दिन खाली जा गया है. सप्ताह का पहला दिन खाली गया है. सोमवार रविवार, सोमवार रविवार. तो सप्ताह का पहला दिन रविवार है. रविवार लिखेंगे, रविवार, र बी बार है. सप्ताह का पहला दिन रविवार है. सप्ताह का अंतिम दिन खाली गया है. सप्ताह का अंतिम दिन खाली गया है. शनिवार रविवार, शनिवार रविवार. लिखेंगे शनिवार, शनिवार, शनिवार. सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है. खाली गया के पहले मंगल आता है. कल जगह के पहले मंगलवार आता है. तो बुधवार सोमवार, बुधवार सोमवार. तो बुधवार के पहले मंगलवार आता है. बुधवार लिखेंगे बुधवार, बुधवार, बुधवार के पहले. गुरुवार के बाद खलजगिया आता है. गुरुवार के बाद खलजगिया आता है. शुक्रवार बुधवार, शुक्रवार बुधवार. इसमें शनिवार आएगा, फिर बुधवार है, फिर शुक्रवार आता है. गुरुवार के बाद में शुक्रवार वार आता है. शुक्रवार आता है. गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है. खलजगिया के पहले शनिवार आता है. शुक्रवार रविवार, शुक्रवार रविवार. तो रविवार के पहले शनिवार आता है. तो लिखेंगे रविवार, रविवार, र बी वार, रविवार. खलजगिया दिनों का है सप्ताह. खलजगिया दिनों का है सप्ताह. 7-8, 7-8. कितने दिनों का सप्ताह है? 7 दिन का. 7 डे होते हैं ना वीक के. 7 दिन का सप्ताह है. रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि. 7 दिन का सप्ताह है. 7 लिखेंगे, 7. 7 दिनों का ये सप्ताह. हरदम खलजगिया गाता सागर, हरदम खलजगिया गाता सागर. हंसता रोता, हंसता रोता. तो हंसता गाता सागर, हंसता. हरदम हंसता गाता सागर, हंसता. सता हंसता गाता
सागर, हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद खाल जग्या सागर, तेज मंद खाल जग्या सागर, तेज मंद लहराता लहराता, तेज मंद लहराता सागर, तेज मंद लहराता सागर, खाल जग्या सबको जगाती घड़ी, खाल जग्या सबको जगाती घड़ी, शुभ शुभ सबको जगाती घड़ी, शुभ सबको जगाती घड़ी, शुभ सबको जगाती घड़ी, टिक टिक करती खाल जग्या घड़ी, टिक टिक करती खाल जग्या घड़ी, चलती टिक टिक करती चलती घड़ी, चलती घड़ी टिक टिक करती चलती घड़ी, इलेवन समय का खाल जग्या कराती घड़ी, समय का खाल जग्या कराती घड़ी, जान ज्ञान, जान ज्ञान तो ज्ञान कराती ज्ञान, समय का ज्ञान कराती घड़ी ज्ञान, समय का ज्ञान कराती घड़ी, खाल जग्या रहो की सिख देती घड़ी, खाल जग्या रहो की सिख देती घड़ी, चलते रहो की सिख देती घड़ी, चलते चलते रहो की, चलते रहो की सिख देती घड़ी, समय को खाल जग्या है घड़ी, समय को खाल जग्या है घड़ी, रुलाती के समझाती तो समझाती, समय को समझाती है घड़ी, कितने बजे है वो मालूम पड़ता है, समझाती है घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, वक्त का मूल्य खाल जग्या घड़ी, वक्त का मूल्य खाल जग्या घड़ी, तो सिखाती वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, सिखाती वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, फिर इन द ब्लैंक से उन्होंने बताई, उसको बता लिखना है बराबर से, सप्ताह का पहला दिन रविवार है, सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है, बुधवार के पहले मंगलवार आता है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, रविवार के पहले शनिवार आता है, 7 दिनों का है सप्ताह, हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर, शुभ सबको जगाती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो की सिख देती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। प्रश्न नंबर 2 का ब, प्रश्न नंबर 1 का ब, कोष्टक से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, कोष्टक से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, राइट करेक्ट वर्ड्स अंडर द पिक्चर फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट करेक्ट वर्ड अंडर द पिक्चर फ्रॉम द ब्रैकेट, ये आपको भी मैं बता रही हूँ, ये पिक्चर दिए है वो ब्रैकेट में से देख के लिखना है, अभी पहला है पिक्चर है वो, अभी ताला दिया है, नारियल बकरी, ताला नारियल बकरी तरबूज अनार तोता पलंग घड़ी तराजू छाता पतंग धनुष, ये सब वर्ड्स दिए है, उसमें से जो पिक्चर है उसको ब्रैकेट में से आपको उसका नाम लिखना है, अभी पहली पिक्चर दी है वो पतंग की है तो लिखेंगे पतंग, पतंग प
पतंग 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 यह धनुष तो लिखेंगे धनुष कहाँ पे धनुष दिया है ये धनुष है ध नु श धनुष छाता छाता छनिकानो छाता 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 यह ताला तनिकानो ता लनिकानो ला ताला ताला यह अनार ओ ना र अनार नारियल तो नारियल लिखा है ना री य ल नारियल यह है घड़ी घड़ी तो घड़ी लिखी है घड़ी 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 बकरी ब क री बकरी तोता तोता तनिकानो तो ता यह तराजू त रा जू तराजू दिया है पलंग प लंग पलंग तरबूज के लिखेंगे त र बू ज तरबूज ये आपको पिक्चर दिया है ऊपर ब्रैकेट्स दिए उसमें से आपको चूज करके लिखना है पतंग धनुष छाता ताला अनार नारियल घड़ी बकरी तोता तराजू पलंग तरबूज पतंग धनुष छाता ताला अनार नारियल घड़ी बकरी तोता तराजू पलंग तरबूज ब्रैकेट में से आपने आंसर पिक्चर दिए और ब्रैकेट में उसके आंसर दिए वो देख के आपको चूज करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी वर्ण लिखिए बाकी वर्ण लिखिए अभी इसमें दिया है राइट द मिसिंग लेटर्स राइट द मिसिंग लेटर्स क ख मिसिंग लेटर बताया है फिर च है फिर ड द है फिर मिसिंग लेटर है फिर छ है फिर मिसिंग लेटर है अभी क के बाद में क्या आएगा वो अपने को बताना है तो क के बाद में ग है ग के बाद में क ख फिर ख के बाद में क्या आएगा ग तो ग लिखेंगे गणपति नु ग ग इधर ग लिखेंगे ग क ख ग गु ग फिर ड है फिर च चकली नो च छत्री नो छ फिर ज ज आएगा अपने को इधर लिखना है जमरुक नो ज चपला नो ज क ख ग ग ड च छ ज ज अब इसमें लिखेंगे इसके बाद में हम लिखेंगे ट ट
ठ दिया है, फिर ड लिखेंगे, ड फिर ड ठ लिखेंगे, ड अण दिया है, त और थ और द, ट ठ ड ट अण त थ द, ट ठ ड ड अण त थ द। अभी आएगा भ है, भ के बाद में म, भ फिर म, म मरशानो, भमडानो, मरशानो, ययतीनो, ररकाबीनो, ललखोटानो, वहानो, शशरणाईनो, शषटकोनो, शशक ससलानो, ये शगड़ी का कोई भी हो सकता है। भ म य र ल व श श श। अभी न है, न के बाद में प, प फ फिर ब, ब भ म य र और ल, ल न प फ प भ म य र ल। अभी ये म है, म के बाद में य आएगा, य य फिर लिया है, ल फिर व आएगा, बहानु व, श शरणाइनु श, श षटकोणु श, श हर हो अरणु हो। म य र ल व श श श ह। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क ख ग ग ड च च च च, ट ठ ड ड अण त थ द, भ म य र ल व श श श, न प प ब भ म य र ल, म य र ल व श श श ह। आपको क की लाइन दी है, ब की ऐसे दी है, आपको जो बाकी वर्ण है, जो मिसिंग लेटर है, उसको कंप्लीट करके लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर टू, अब क्वेश्चन टू, अ कोष्टक से चुनकर वाहन का नाम लिखिए, कोष्टक से चुनकर वाहन का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ व्हीकल फ्रॉम द ब्रैकेट्स, राइट द नेम ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अभी ये है, नाम लिखे हुए ब्रैकेट्स में, नीचे व्हीकल दिए है, उसको देख के उसमें से लिखना है आंसर्स। इसमें बताया है रिक्शा, बैलगाड़ी, स्कूटर, हवाई जहाज, ट्रक, घोड़ा गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, कार। रिक्शा, बैलगाड़ी, स्कूटर, हवाई जहाज, ट्रक,
घोड़ा गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, कार। अभी वन नंबर में दिया है स्कूटर, तो स्कूटर लिखेंगे स्कूटर, स्कूटर। तो स्कूटर दूसरे में है कार, कार दी है आपको, तो कार लिखा है इधर, ये कार, कार। ये है बस, तो बस लिखेंगे बस, बस। इसमें है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, बेल गाड़ी, बैलगाड़ी। ये है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रे ल गाड़ी, रेलगाड़ी। ये है रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा लिखेंगे, पहला दिया है रिक्शा, री क शा, रिक्शा, रिक्शा। स्कूटर, कार, बस, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, रिक्शा। इसे ब्रैकेट में से देख के उसका आंसर लिखना है, सही आंसर। अभी दूसरा है, अभी आपको सेवन नंबर का पिक्चर दिखाया है, उसमें दे रहा है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। एक नंबर में है हवाई जहाज, हवाई जहाज। नाइन नंबर में है ट्रक, नाइन नंबर में दिया है ट्रक। हम लिखेंगे पहले घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अभी घोड़ा गाड़ी की स्पेलिंग इधर दी है, शब्द घोड़ा गाड़ी, गो रा गा डी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अभी है हवाई जहाज, हवाई जहाज, तो लिखेंगे हवाई, हवाई जहाज। इसमें बताएंगे ज हा ज, हवाई जहाज, हवाई जहाज। इसमें दिया है ट्रक, ट्रक दिया है, तो लिखेंगे ट्रक, ट्रक, ट्रक। घोड़ा गाड़ी, हवाई जहाज, ट्रक, घोड़ा गाड़ी, हवाई जहाज, ट्रक। एक बार फिर से रिपीट करें, स्कूटर, स्कूटर, कार, बस, बस, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रिक्शा, रिक्शा, ये है घोड़ा गाड़ी, हवाई जहाज, ट्रक, घोड़ा गाड़ी,
हवाई जहाज, ट्रक, ये सब मैंने आपको बताया, वैसे आपको करना है। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर